जय जिनेन्द्र काय छयो प्रतिपाल पंच इंद्रिय मन बस करो संयम रतन समाल विषय चोर बहुफिरत है संयम का अर्थ है आत्मनियंत्रण पांचों इंद्रिय स्पर्शन रचना घ्राण नेत्र और कर्ण व मन की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना और षट काय के जीवों पृथ्वी काय जलकाय अग्नि काय वायु काय और वनस्पति काय की बराधना ना करना उत्तम संयम धर्म है जब कभी भी संयम की बात आती है तब हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि आ जाती है जो कायदे से रहता हो जिसका खान पान अच्छा हो और जिसकी प्रवृत्तियाँ संतुलित हों ऐसे लोग आदर्श तो होते हैं लेकिन संयम का संबंध केवल प्रवृत्तियों के नियंत्रण तक नहीं है सबसे बड़ा संयम का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाएं तो हमारा जीवन अत्यंत विशुद्ध बन जाए एक बार की बात है एक युवक था उसके परिवार के लोग उसे महाराज के पास ले गए और महाराज से बोले महाराज जी इसको कुछ नियम दे दो महाराज जी ने उसकी साइड देखा लेकिन वह युवक बोला महाराज जी मेरे नियम में कोई श्रद्धा नहीं है मैं नियम नहीं ले सकता महाराज जी थोड़ी देर चुप रहे और बोले अच्छा ये बताओ अभी तुम आए कैसे हो भाई बोला गाड़ी से महाराज जी बोले गाड़ी चलाकर लाए हो ना भाई बोला हाँ महाराज जी तो महाराज बोले गाड़ी कैसे चलाई लेफ्ट साइड में या राइट साइड में भाई युवक बोला महाराज जी लेफ्ट साइड में तब महाराज ने कहा लेफ्ट साइड में क्यों चलाई राइट साइड में क्यों नहीं चलाई तब भाई युवक बोला महाराज जी यह एक रूल है लेफ्ट साइड में चलाना रूल है तब महाराज बोले अच्छा आते समय लाल बत्ती पर गाड़ी रोकी थी भाई बोला हाँ यह भी एक रूल है महाराज जी फिर बोले किसी को ओवरटेक करते समय इंडिकेटर दिया हॉर्न दिया भाई बोला हाँ देना पड़ता है महाराज जी यह एक रूल है नहीं दूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा तब महाराज जी बोले अभी तो तुम कह रहे थे कि मेरा नियम में कोई विश्वास ही नहीं मैं नियम नहीं ले सकता और तुम अभी खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि घर से यहाँ तक आने में तुमने सारे ट्रैफिक के नियम को फॉलो किया अगर फॉलो नहीं करते तो फेल हो जाते और एक्सीडेंट हो जाता उसी तरह जैसे अपने एक छोटे से गंतव्य तक जाने के लिए ट्रैफिक के रूल को फॉलो करना ज़रूरी है वैसे ही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जीवन के रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है बिना नियम के जीवन नहीं चल सकता नियम तो नियम ही है जो जैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप ही हमें करना है नियम विरुद्ध चलने वाले कभी सुखी नहीं होते युवक महाराज की बात समझ चुका था संयम धर्म के दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हम उन महामुनि राजों के अनुयायी हैं जो संयम की प्रतिमूर्ति हैं जिनकी प्रवृत्ति में और वृत्ति में महान संयम दिखता है जिनका उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना और सोचना बिचारना सब एक संयम में है गुरुओं से संयम का पाठ सीखकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए उत्तम संयम धर्म की जय जय जिनेन्द्र